बॉलीवुड में इस टाइम बहुत सी फ्रेंचाइजेस चल रही हैं। किसी का पार्ट 3 आना है तो किसी का फोर्थ चैप्टर खुलना है, लेकिन एक सीक्वल इन सब पे भारी होगा। एनिमल फिल्म ने जितने पैसे बनाए उससे कई ज्यादा फिल्म ने ऑडियंस को अपने बारे में बात करने पर मजबूर कर दिया, इसलिए तो फिल्म को कोई भी इग्नोर नहीं कर पाया। जरा सोचो, जब पार्ट 1 में ये हाल हुआ तो क्या होगा जब एनिमल पार्क के दरवाजे खुलेंगे। ऑडियंस न सिर्फ भाग कर आएगी बल्कि अनगिनत बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स भी लाएगी। वैसे तो एनिमल के पीछे मास्टरमाइंड सिर्फ एक इंसान है, संदीप वांगा, जो फिल्म बनाते वक्त खुद को फिल्म के लीड कैरेक्टर जैसा बना लेते हैं। अब बात चाहे कबीर सिंह की हो या एनिमल की, हर फिल्म पिछले फिल्म से ज्यादा बेहतर बनाकर दिखाते हैं, और यहाँ हेटर्स को थैंक्स कहना तो बनता है। चेहरा है रणबीर कपूर, जिनको फिल्म में इंट्रोड्यूस करवाते वक्त बड़ा बड़ा लिखा था दी सुपरस्टार रणबीर कपूर, और फिल्म ने 2023 में ये साबित करके दिखा दिया। मजेदार बात तो ये है कि इतने सालों में बॉलीवुड रणबीर कपूर का इस्तेमाल वैसे नहीं कर पाया जैसे संदीप वांगा ने सिर्फ 3 घंटे की फिल्म में करके दिखा दिया। असली एक्टिंग टैलेंट। और पता है, अब एनिमल पार्क में विकी कौशल का नाम भी लिया जा रहा है, जो एजाज का पास्ट रोल प्ले कर सकते हैं, यानी चेहरा बदलने से पहले वाली जिंदगी। रणबीर कपूर और विकी कौशल का फेस ऑफ एनिमल पार्क में होने का चांसेस नजर आ रहे हैं। प्लस बॉबी देओल का कैरेक्टर भी कमबैक करेगा ऐसा बोला जा रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि हीरो तैयार है और डायरेक्टर भी रेडी है, तो फिल्म बनाने में किस बात की देरी। लेकिन तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है पैसा, और इसी पैसे की वजह से इतना बड़ा फड्डा हो गया है कि शायद एनिमल पार्क के दरवाजे खुलने से पहले ही कहीं ताले ना पड़ जाएं। कमाल की बात तो ये है कि रिस्क में एनिमल आई है, और इसकी वजह ना तो संदीप वांगा है और ना ही इसकी वजह रणबीर कपूर होंगे, तो फिर कौन। तो आपको बताते चलूं कि आलिया भट्ट की फिल्म आई है जिगरा, जिसको देखने के बाद मोस्टली लोगों ने उनको बेस्ट एक्ट्रेस और लेडी सुपरस्टार का टाइटल भी दे दिया है। वहीं कुछ लोगों को एक्टिंग से लेना देना नहीं था, तो उनको फिल्म की स्टोरी भी समझ नहीं आई। और वहीं पर एक और फिल्म सवी भी रिलीज हो गई, जिसकी स्टोरी ऑलमोस्ट 90-80% जिगरा जैसी ही है। लेकिन क्लैश तब स्टार्ट हुआ जब सवी की लीड एक्ट्रेस दिव्या घोसला कुमार ने पब्लिकली इंस्टा पर एक स्टोरी डालकर पूरे बॉलीवुड को हिला दिया। जिगरा फिल्म देखते हुए स्टोरी डाली उन्होंने, जिसमें शो पूरी तरह से खाली पड़ा था, तो फिल्म का कलेक्शन कैसे और कहां से आ रहा है। डायरेक्ट इल्जाम लगाया है आलिया भट्ट के ऊपर कि खुद ही टिकट्स खरीद कर अपने फिल्म की इज्जत बचाने का, और इसके लपेटे में करण जौहर भी आ गए हैं। चलो बात आलिया और दिव्या की झगड़े की होती तो बात समझ आती है, लेकिन यहाँ बात है दो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की, यानी टी सीरीज वर्सेस धर्मा प्रोडक्शंस, जो फिल्म नहीं करियर बनाते हैं। अब एनिमल के सक्सेस में जितना हाथ रणबीर और संदीप वांगा का है, उतना ही हाथ टी सीरीज का भी है, क्योंकि अगर पैसा खर्च नहीं होगा तो फिल्म की क्वालिटी जीरो रहेगी। तो टेंशन इस बात की है कि पब्लिकली आलिया भट्ट और करण जौहर से इससे पहले किसी ने इस तरह से पंगा नहीं लिया था। एनिमल पार्क ने आना है 2028 तक, लेकिन सवाल ये है कि क्या रणबीर कपूर इस फिल्म का पार्ट होंगे या नहीं। और अगर रणबीर कपूर एनिमल पार्क के लीड रोल नहीं होंगे, तो आई थिंक बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी हीरो के लिए ऑडियंस को फिल्म के साथ कनेक्ट करना। आपको क्या लगता है, 2028 तक ये इशू रिजोल्व हो जाएगा या नहीं, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।